दोस्तों, हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, फोटो हुई या हमारे कोई बुक वगैरह हुई, उनकी मोबाइल के जरिए हमें बहुत ही इजीली तरीके से पीडीएफ फाइल तैयार कर सकते हैं। आप एक ही पीडीएफ में हजारों डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। तो किस तरह से आप मोबाइल के जरिए पीडीएफ फाइल तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको अपने फोन पे आके और अपने गूगल ड्राइव पे आना है। गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट न्यू के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। फोल्डर अपलोड स्कैन गूगल डॉक्स गूगल शीट्स गूगल स्लाइड्स। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ स्कैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से रिकॉर्ड का अलाउ ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से अलाउ कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो अलाउ करेंगे। और इसके बाद आपके सामने स्कैनर ओपन हो जाएगा। मेरे पास कोई बुक वगैरह तो नहीं है, ये थोड़ा हिसाब किताब इसी की मैं पीडीएफ बना के दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमारी फोटो क्लिक हो जाएगी यहाँ पे, और इस तरह से ऑप्शन आएगा तो यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देंगे अगर इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे तो। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी एक पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। अगर हमें दूसरी क्लिक करनी है कोई, तो यहाँ प्लस का निशान है नीचे, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और अपने पेज को पलट के इस तरह से पोजीशन में लेके और बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से ये ऑप्शन आएगा, राइट पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी दो फोटो क्लिक हो चुकी है। इसी तरह हमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की एक ही पीडीएफ में फाइल बनानी है तो फिर से प्लस पे क्लिक करके चाहे तो अपनी पूरी बुक की पीडीएफ बना सकते हैं, और फिर से क्लिक करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तीन डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। इसी तरह आप जितने चाहे उतने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं कि पीडीएफ में। अब जैसे मेरे पास ये चार डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं आप देखेंगे यहाँ पे, और इन्हें नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम रखेंगे, पीडीएफ फाइल का, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, और सेव पे क्लिक करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो इस तरह से पीडीएफ में सेव हो जाएंगे आपके इसमें गूगल ड्राइव में। अभी मैं इनको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखेंगे एस के पीडीएफ के नाम से मैंने सेव की थी फाइल को, और यहाँ पे देखेंगे हमारी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। चार मैंने फोटो क्लिक की थी, चारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक ही पीडीएफ फाइल में आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमें अपने हजारों डॉक्यूमेंट्स की एक ही पीडीएफ फाइल मोबाइल के जरिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।